इस दिन रिलीज करने की, लेकिन हाँ आज बहुत खास दिन है। आज 25 वर्ष इस विवाद को हो रहे हैं, आज से 25 वर्ष पूर्व ये विवाद इसी समय जो अभी समय हो रहा है लगभग इसी समय हुआ, और बहुत दुखद है जो कुछ देश के साथ हुआ। हालांकि कुछ लोग उसे शौर्य दिवस, कुछ लोग इसे काला दिन के रूप में मनाते हैं, क्या हुआ किसको अच्छा लगा बुरा लगा अलग बात है, लेकिन देश में बहुत से बेगुनाहों की जान गई, ऐसे बेगुनाहों की जान गई जिनके नाम हम आज तक 25 वर्ष में भी नहीं जानते हैं। तो पिक्चर उन लोगों को श्रद्धांजलि है जो बेगुनाह मारे गए उन दंगों में जिनका कोई कसूर नहीं था। क्या दिखाया फिल्म में, ये कंट्रोवर्सी के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन आपने फिल्म में क्या दिखाया स्पेशली? कंट्रोवर्सी के बारे में सब जानते हैं लेकिन पूरा इतिहास नहीं जानते हैं कि हुआ क्या था, बाबर से लेके बाबरी मस्जिद गिरने तक क्या क्या हुआ, क्या पर्दे के पीछे खेल खेला गया, अयोध्या जो भगवान राम का स्थान है उसको कैसे गेम बना दिया गया, उसको गेम बना के किस तरह लोगों ने फायदे उठाए, बचाने वालों ने भी फायदे उठाए, गिराने वालों ने भी फायदे उठाए, सब आपस में गेम खेल रहे हैं। 25 साल से निरंतर चल ही रहा है, अभी कितने साल चलेगा कहना मुश्किल है। तो आपने फिल्म में क्या दर्शन में क्या चीज ध्यान में रखी, बिकॉज़ ये थोड़ा सेंसिटिव इशू था एक्चुअली। बिल्कुल सेंसिटिव इशू है, पूरे ध्यान में रख के फिल्म बनाई गई है जिम्मेदारी के साथ। लिब्रान कमीशन जो इसका आयोग बना है, जिसने अपनी रिपोर्ट दी है 17 साल में आयो, उसकी रिपोर्ट को फिल्म बेस करी गई है। कोई भी फिल्म में हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते तथ्यों से, जो कुछ तथ्य हैं उन्हीं को पेश कर सकते हैं। तो एक जिम्मेदारी के साथ फिल्म बनाई गई है, फिल्म है, लव स्टोरी है हिंदू मुसलमान के बीच की, लेकिन पर्दे के पीछे बाबरी मस्जिद का एपिसोड है। तो आपने रिसर्च किस तरह से किया? लिब्रान कमीशन बेस है, लिब्रान कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक है, नेट पर पड़ी है, आप भी देख सकते हैं, 1000 पेज का रिपोर्ट है पूरी, और उसमें पूरा ही है कि क्या क्या इवेंट हुए क्या क्या नहीं हुए, और पूरे देश के सामने लोग जानते नहीं है, हमारा नौजवान नहीं जानता जो 25 से 40 साल तक का है, वो इतिहास लाने का काम इस फिल्म के माध्यम से किया है। कह सकते हैं हम वो एक फिक्टिशियस स्टोरी है हिंदू मुस्लिम के बीच की लव स्टोरी, लेकिन हाँ इंस्पायर्ड है, बहुत से देश में लोग हिंदू मुसलमान प्यार करते हैं और हमेशा से करते हैं, आज से नहीं, आप लोगों में भी बहुत लोग करते होंगे, संबंध होते हैं, पड़ोसी होते हैं, आपस में संबंध होते हैं, दोस्त होते हैं, शादी भी करते हैं, चाहे सचिन पायलट जी की वाइफ हिंदू हो मुस्लिम हो, चाहे शाहरुख खान की वाइफ हिंदू हो, और भी बहुत से सेलिब्रिटी हैं जिनकी वाइफ हिंदू मुस्लिम होते हैं। तो देश में सब लोग प्यार से रहना चाहते हैं, अच्छे माहौल में रहना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ देश में हुआ, मस्जिद तो गिरी थी आज से बहुत दूर पहले अयोध्या में, फैजाबाद में, लेकिन उसका जो प्रतिफल देखने को मिला पूरे देश में और दुनिया में देखने को मिला। लेकिन सारी हिस्ट्री जो है साइड में हो गई, पूरी जो मेकिंग है वो साइड में हो गई, इसका लास्ट में एक सीन आता है, सीन मेरे आप में और मकरंद देश पांडे और अभय में है, चारों सीन, सब कुछ होने के बाद में आई एम प्लेइंग ए मुस्लिम कैरेक्टर जिसका नाम नईम है और वो लाइब्रेरियन है, ही हैज डन ऑलमोस्ट लाइक ए PhD, ही नोज इन एंड आउट एंड निटी ग्रिटीज ऑफ राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के ऊपर जो रक्कस हुआ था उसका एक एक डिटेल मेरे पास है, और मेरा जो साथी है उसका नाम है मकरंद देश पांडे, दोनों के पास में इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी है। एंड सुनील जी इज़ प्लेइंग, अपार्ट फ्रॉम बींग डायरेक्टर, ही इज़ प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फिल्म, ही इज़ प्लेइंग योर रोल, ही इज़ अ जर्नलिस्ट, तो ये हमसे पूछने आते हैं कि इसके बारे में पूरा बताएं, तो हम बताते हैं। जब पूरा हो जाता है वृतांत के साथ में, एक्साइटमेंट के साथ में क्रिसेंडो पर पहुंच जाता है, तो क्रिसेंडो पर पहुंचने के बाद में एक लास्ट में एक स्क्रिप्ट ने एक छोटा सा क्यूट सा सीन लिखा है, ये करेक्टर जो नईम है मुस्लिम है लाइब्रेरियन है जिसको निटी ग्रिटीज का पता है, डिटेल वर्क का पता है, वो कहता है कि अब हम चाहेंगे कि जनरेशन नेक्स्ट के पास में हमारा हिंदुस्तान पहुंचे और हमारा नया हिंदुस्तान हम जैसे लोगों की ये जनरेशन पास जो है उसका हाथ पकड़ के हमको आगे लेके जाए, हमको रास्ता दिखाए, हमको आगे का जो प्लानिंग है वो बताए, और एक नया भारत की तवक्को है इस जनरेशन नेक्स्ट से, जिसमें सिर्फ ये हो कि ना तो हिंदू हो ना कोई मुस्लिम हो ना क्रिश्चियन हो ना कोई भी जात पात ना हो, हम सबसे पहले एक हिंदुस्तानी हो। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ऐसे मुद्दे का तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पहुंच पाया है, तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट के कंक्लूजन से पहले इसमें कुछ भी कंक्लूजन करें तो शायद ये कोर्ट के काम में इंटरफेरेंस भी हो सकता है। तो हमने इसमें पिक्चर में आखिर में डाला है गेम ऑफ अयोध्या पार्ट टू टू बी कंटिन्यू कमिंग 2019, अभी वेट करिए थोड़ा सा, कुछ हमें भी वेट करना है। और जहाँ तक कंक्लूजन की बात है, बहुत से बेगुनाह मारे गए और जिस जगह के लिए इतने बेगुनाहों की जान गई हो, ये पर्सनल मेरा है, ये कोई फिल्म का नहीं है, ये पर्सनल मेरा है,
वहाँ चाहे मंदिर बना लो चाहे मस्जिद बना लो, उसका कुछ होने वाला नहीं है। इस जिन बेगुनाहों की जान गई, जिस जगह पे इतने लोगों की जान गई हो, वहाँ कभी कोई पूजा स्थान बनाने से कोई फ़ायदा शायद देश को होने वाला नहीं है। तो निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करना है, पर आप जैसे नौजवान शायद नहीं चाहेंगे कि वहाँ मंदिर मस्जिद बन के कोई विवाल हो। शायद देश का नौजवान भी यही चाहेगा कि वहाँ बेहतर हो के कुछ ऐसी चीज़ बना दो जिसमें दोनों ही धर्म के लोग चले जाएँ। बाकी तो खैर निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से ऐसी जगह पर जहाँ बेगुनाहों की जान गई हो, वहाँ का कोई फर्ल आने वाला कभी नहीं।